ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਜ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹਮ ਸਭ ਕੋ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਬੁਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਆਜ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। The planning for this satsang began many, many, many years ago. It is not today's planning. And when we say years, that is also not true, because kaun se janam se ye planning chal rahi hai hume pata hi nahi hai. Guruji ki aseem kripa se 2 years ago mere paas ek call aaya tha. So there will be 2 satsangs with Guruji's grace I'll be sharing. One I'll share yahan ka hi satsang, one Guruji ki kripa se. So Guruji is Mahashiv. ये बिलीव करते करते मैंने बहुत टाइम लगा लिया, सालों साल लगा दिए, सालों साल के बाद भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना था। आई रिपेल्ड काउंटलेस टाइम्स एंड आई डिडंट एक्सेप्ट इट मेनी टाइम्स, बट गुरुजी इज वेरी काइंड एंड गुरुजी ब्लेसेस ईच वन अनकंडीशनली। गुरुजी को पता ही था कि बिना गुरु कृपा के मैं तो नहीं जी सकती थी, तो गुरुजी ने कृपा की कि गुरुजी ने अनकंडीशनली ब्लेस किया और काउंटलेस ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। तो द फर्स्ट सत्संग होस्ट अंकल आंटी का ही है। नवंबर 2020 लॉकडाउन अभी चालू था, तब गुरुजी के एक अंकल जो है बॉम्बे में, वो मैनेज करते थे, बॉम्बे मंदिर का मैनेजमेंट करते हैं थे, पांडे अंकल है, वो अभी भी है लेकिन ही इज नाउ इन गुरुजी's लोटस फीट, बट ही इज ऑलवेज गुरुजी की कृपा से। गुरुजी आज उनके वास्ते ब्लेसिंग्स वास्ते भी सत्संग शेयर करा रहे हैं, तो शुक्राना है जी। सबसे पहले तो उन्हीं का नाम आता है। तो पांडे अंकल का फोन आया था मुझ पे और पांडे अंकल ने बोला गुरुजी आज, सो पांडे अंकल इज समबडी जो बॉम्बे का मंदिर का सब मैनेजमेंट करते हैं एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन एवरी टाइम, सो जो भी गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहता है उनके पास गुरुजी की डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही आती है एंड गुरुजी गाइड करते हैं ईच वन को। इसी वास्ते गुरुजी ने डायरेक्ट कनेक्शन का बोला हुआ है कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन करो, ये गुरुजी ने बोला हुआ एंड दैट इज द बिगेस्ट एंड द बेस्टेस्ट गिफ्ट एनीबडी एनी सोल कैन हैव, द बेस्ट गिफ्ट। गुरुजी ने सबको निराधार बना दिया कि किसी को भी आधार, नो माया वाया, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिलती है, उसी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो पांडे अंकल का कनेक्शन इतना पावरफुल था कि वो बोलते थे वो चीज, जैसे वो बोलते थे ये आज लंगर में बनाना है, वहां के सेवादार मीन्स ऑफकोर्स देयर आर काउंटलेस सत्संग, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, कि वहां मंदिर में भी वही बात चलती होती थी सेवाधारों में कि गुरुजी ने आज ये बोला है कि खीर बनानी है, तो वो लोग भी वही बात कर रहे होते थे। तो ऐसे बहुत सारे सत्संग्स थे पांडे अंकल के खुद के। पांडे अंकल का फोन आया एक दिन मुझ पे, उन्होंने बोला कि आंटी एक अंकल है वहां पे, आप उनको स्वरूप और जल प्रसाद पहुंचा देंगे। सो देयर आर मेनी टाइम्स वी गेट सच कॉल्स and through somebody or the other we managed to send it किसी ना किसी के थ्रू, क्योंकि लॉकडाउन था वैसे भी मैं तो कहीं जाती ही नहीं थी। तो मैंने बोला हाँ जी हाँ, बोलते मैं आज गुरु जी के साथ बैठा था, वैसे तो मैं बहुतों को पहचानता हूँ बैंगलोर में, लेकिन गुरु जी ने मुझे बोला था आपको बोले, मतलब बस शुक्राना गुरु जी। तो अंकल का फोन आया, अंकल का फोन आया तो मैंने बात की और मेरे मुंह से निकल गया, उस टाइम पूरे यूनिवर्स का दरबार लगा था विथ 2 हॉर्सेस विथ विंग्स, वो बना हुआ था और 6 फुट के हॉर्सेस थे। वो एक अलग ही सत्संग है, गुरु जी की कृपा से डांट खा खा के वो सत्संग किया था, वो दरबार बनवाया था। एक बार मैं एक सत्संग से लौट रही थी और गुरु जी ने मुझे एक व्हाइट फ्लाइंग हॉर्स दिखाया था, तो मैंने बाजू में बैठी एक आंटी को बोला था कि मुझे एक व्हाइट फ्लाइंग हॉर्स दिख रहा है, तेरे पास है क्या? सो आई थॉट इट वुड बी दिस मच हॉर्स, राइट? अभी हॉर्स कितना बड़ा होगा,
She said, "Ha ha, auntie, I have. I'll send it to you today." The next thing I know, there is a tempo down, and uncle had to go down to get the horses, and they were 6-foot horses, two, not one. और ऊपर आते आते तो अंकल मुझे डांट लगा रहे हैं कि क्या कर रहे हो, है इतना छोटा घर है, जगह नहीं है, दो हॉर्सेस कहां से फिट होंगे, एक नहीं दो दो। मैंने बोला गुरुजी की कृपा से होंगे, काले चने खाते खाते कर लेंगे, और आज भी काले चने बने हुए हैं। तो गुरुजी की कृपा से मैंने ये बोल दिया था और दरबार लग गया था, और बहुत ही खूबसूरत दरबार था, देयर वर ऑल द प्लैनेट्स इन द दरबार एंड एवरीथिंग। तो अंकल को जब फोन आया तब मैंने बोला कि श्योरली आई कैन रीच इट टू यू, लेकिन यहाँ ब्रह्मांड लगा हुआ है, यूनिवर्स लगा हुआ है, ग्रह सारे लगे हुए हैं, गुरुजी तो कब कृपा करते पता नहीं चलता, आपकी मर्जी हुई तो आप आ जाओ, इफ यू कैन देन यू कम। एंड इतनी सी बात थी, ये गुरु कृपा से ही सुनाई देती है, और उन्होंने सुन ली थी और वो आए, वहां पे दोनों आए थे गुरुजी की कृपा से, प्लैनेट वाले हॉर्सेस वाले दरबार में 2020 में नवंबर। नाउ गुरुजी की कृपा से वो दिन आंटी ने मत्था टेका था, मत्था टेकने के बाद वो खड़ी हुई। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैपन इन बिटवीन, वन इज आंटी वाज क्राइंग एंड अंकल सेड डोंट क्राई, क्योंकि अंकल हैड बीन अंकल अपना सत्संग खुद ही बताएंगे, तो वो बेस्ट रहेगा कि क्या हुआ उनको, लेकिन जो भी हुआ था गुरुजी की कृपा से, गुरुजी बड़े के प्रॉब्लम है ना, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ गुरुजी के सामने कुछ ही नहीं है, कितना भी बड़ा रोग हुआ गुरुजी के सामने एक दूसरा भी नहीं है, धूल बराबर भी नहीं है, और उसी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी की कृपा से। उस दिन अंकल आए और आंटी सॉ गुरुजीज आंख मूव एंड शी इज टेलिंग मी शी हैड कम फर्स्ट टाइम टू गुरुजीज दरबार, तो बोल रहे बिलीव मी आई सॉ द आईज मूव एंड आई न्यू इन दैट मोमेंट कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। एंड उसके 15 दिन बाद उनका फोन आया था, तो तब आंटी का फोन आया, जय गुरुजी आंटी कैन आई कम, तो तब हम किसी को अलाउ ही नहीं कर रहे थे आने को, दरबार खुला ही नहीं था और लॉकडाउन भी चालू ही था, तो तब मैं आंटी को बोलती हूँ जिसको परमात्मा ने बुलाया उसको कौन रोक सके बताओ, है तो ऐसी आवाज कौन रोक सकता है। आंटी आए और गुरुजी की कृपा से शी शेयर्ड वंडरफुल न्यूज, एंड उसके बाद बस गुरुजी की कृपा ही कृपा रही, उसके बाद से अनंतम शुक्राना है। अंकल विल डेफिनेटली शेयर हिज ओन सत्संग के क्या हुआ क्या नहीं। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने अपनी संगत का रास्ता ऐसा बनाया हुआ है कि वी कैन एंड वी मस्ट ऑल प्रे फॉर ईच अदर, कब क्या हो जाए पता नहीं चलता, ये 2020 नवंबर की बात है। अगस्त 2021 में माय हस्बैंड वाज डिटेक्टेड विद कैंसर, एंड गुरुजी की कृपा से इट वाज वन ऑफ द एग्रेसिव काइंड्स, एंड बचने की कोई रिमोटेस्ट उम्मीद नहीं थी, तो सब मुझे बोलते रहते हैं अंकल भी मुझे डांटते क्यों वही सत्संग बार बार बोलते हो, मैं गुरुजी की कृपा है ना। तो अंकल वाज डिटेक्टेड एंड इट वाज वन ऑफ द एग्रेसिव काइंड्स, लेकिन फिर भी चल रहा था ट्रीटमेंट, तो तब मुझे आवाजें आती थी गुरुजी की कि कब तक बचाओगी, मैं लो जब तक गुरु कृपा है तब तक बचे रहेंगे जी, है नहीं तो फिर भी गुरु कृपा है तो आप ही के पास रहेंगे, इस पार या उस पार गुरुजी है ना, बोलने के लिए आसान होता है, डाइजेस्ट करने के लिए आसान नहीं रहता। तो गुरुजी की संगत की प्रेयर्स, गुरुजी कृपा, ये सब बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने ऐसा संगत का साथ बनाया, इसी वास्ते वी मस्ट कीप प्रेइंग फॉर ईच अदर कंटिन्यूअसली, कब कौन सी प्रेयर गुरुजी कबूल कर ले, गुरुजी तो अपनी संगत की सारी प्रेयर्स कबूल करते हैं। अभी तो उसमें से कैंसर बहुत बुरा है ऐसा लग रहा था, इतने में कोविड हो गया, और कोविड में डॉक्टर ने बोला 3 घंटे है उतने में बॉडी ले जाना है, मैंने बोला वो कैंसर थोड़ा अच्छा था है, थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा था है ना, लेकिन गुरुजी की कृपा से अंकल हैज कंप्लीटेड हिज ट्रीटमेंट एंड गुरुजी मेहर कर ऐसे ही सेवा में रखे, गुरु कृपा बनी रहे हर एक संगत पे, हर एक फैमिली पे, क्योंकि बिना गुरु कृपा के
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਬਾ ਸਾਰੂ ਜਾਨੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਪੰਡਿਤੋਂ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਪੜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਲੋਕ ਸਟੋਨਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨੇ ਸਟੋਨਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆਈ ਜਸਟ ਹੈਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੋਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸਟੋਨਸ ਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਸੇ ਮੁਝੇ ਮੋਤੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਸ਼ੀਲ ਕੀ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਟੈਲ ਹਰ ਦੈਟ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਟੈਲ ਸ਼ੀ ਸੇਇੰਗ ਨੋ ਯੂ ਟੈਲ ਲਾਈਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਟੈਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ ਸ਼ੀ ਸੇ ਯੰਗ ਗਰਲ ਵੈਰੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਤੋ ਯੇ ਸਭ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਉਨਕੋ ਕਟਾਕਟ ਡਾਂਟ ਪੜਤੀ ਹੈ ਜਬ ਸੇਵਾ ਮੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੋ ਥੋੜੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਸੀ ਉਸਕੋ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਥੇ ਵੀ ਤੋ ਡਾਂਟ ਪੜ ਜਾਏ ਤੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੋ ਇਨਕੋ ਡਾਂਟ ਪੜਤੀ ਹੈ ਯੇ ਨਾ ਕਰੋ ਵੋ ਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੇ ਰਹਿਣਾ ਤੋ ਥੋੜਾ ਚੌਪਿੰਗ ਕਟਿੰਗ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਉਸਕੋ ਕਭੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ ਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਸੇ ਵੀ ਉਸਸੇ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਮਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਲੇ ਲਿਆ ਤਬ ਵੀ ਉਸਕੋ ਰੋਣਾ ਥਾ ਉਸਕੇ ਆਖੋ ਮੈਂ ਆਂਸੂ ਇਤਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥੀ ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਝੇ ਉਸਕੇ ਦੋ ਹਾਥ ਐਸੇ ਦਿਖਾਏ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਵੋ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਬੋਲਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਦੇਖੋ ਤੋ ਉਸਨੇ ਪੰਨਾ ਪਹਿਨਾ ਹੁਆ ਥਾ ਇਨਹਾ ਲਿਟਲ ਸਿੰਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਇਸਕੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬੋਲੂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਸੋ ਡੈਲੀਕੇਟ ਹਾਊ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਹਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਤਾ ਨਿਕਾਹ ਬੇਟਾ ਨਿਕਾਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਬ ਹਾਥ ਮਤ ਲਗਾਨਾ ਡੋਂਟ ਬਲੋਕ ਯੋਰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕੀ ਉਸਕੋ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋ ਤੁਮੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਪਣੀ ਬਲੋਕ ਹਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਉਸਨੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਣੇ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਥੇ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਪੁੱਠੇ ਮੀਨਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ ਯੂ ਕਮ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਤੇ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਓ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਲੇਟਰ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਸੋ ਦੈਟ ਡੇ ਵੀ ਸੈਟ ਇਨ ਅ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਬੋਲਾ ਅਬ ਇਸਕੋ ਕਿਆ ਬੋਲੂ ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਉਸੇ ਬੋਲ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੋ ਦੇਖ ਤੋ ਆਈ ਟੋਲਡ ਹਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਬੇਟਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੋ ਦੇਖ ਤੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਆਂਟੀ ਯੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸੀ ਕੀ ਵਜਾ ਸੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋਈ ਮੈਨੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਬੋਲਤੇ ਮੁਝੇ ਨਾ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮੋਮ ਕੋ ਬੋਲਾ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿ ਇਸਕੋ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਉਸਕੋ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੋਲਾ ਥਾ ਤੋ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਯੇ ਪੜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਥੀ ਇੱਕ ਔਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਬਲੈਸ ਕਰਨੇ ਬੋਲਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਯੂੰ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੜਨਾ ਉਸਕੀ ਚਾਚੀ ਨੇ ਅਭੀ ਵੀ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਥਾ ਤੋ ਚਾਚੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਆਪਕੋ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੋ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੋ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਕੋ ਚਾਹੀਏ ਤੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੋ ਤੋ ਦੇ ਯੂਜ਼ਡ ਇਟ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਸਨਟ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਗੋਟ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਨਲੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਰਿੰਗ ਤੋ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਫੋਰ ਮੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਬ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਬਾਤ ਬੋਲਦੀ ਤੋ ਕੋਈ ਕਿਆ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਐਨੀ ਵੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮੁਝੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਾ ਉਤਨਾ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਹੈ ਹੈ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੋ ਦੇਖ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹੈ ਤੋ ਸ਼ੀ ਡਿਡਨਟ ਸ਼ੀ ਡਿਡਨਟ ਦਿਸ ਨੋ ਵੇ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਆਊਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸਕੋ ਰਾਤ ਕੋ ਐਸੇ ਭਾਵ ਦੀਏ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੋ ਰਿੰਗ ਨਿਕਾਲੀ ਔਰ ਸਾਈਡ ਰੱਖੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸਕੋ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਸੇ ਮੁਝੇ ਸਾਰੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕਿਆ ਹੋ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੋ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਉਤਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਰਿੰਗ ਉਤਾਰ ਦੀ ਤੂਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਥਿੰਗ ਟੂ ਹੈਵਨ and she then showed me a video where her 18-year-old brother had an accident just the very next day
the car tumbled 3 times, 100% gone, and Guruji ka sticker is just right there. Usko kuch bhi nahi hua, jahan blessings always Guruji, Guruji likha tha, wahan kuch bhi nahi hua tha, baki puri 100% car gone thi. Jabki that car had come from the service just 3 days ago, and even then the airbags didn't open, the skybags, whatever that bag is. Jo khulni chahiye, wo khuli nahi. And in spite of the 3 tumbles and no bag opening up, he didn't have a single scratch on his body or an injury. And ये सिर्फ गुरु कृपा से हो सकता है, गुरुजी की कृपा से. अनेकों सत्संग है, नेवर एंडिंग सत्संग है, तो बैठे बैठे सुनाते रहे, लेकिन समझने और समझाने में क्या, हम किसी को कुछ नहीं समझा सकते, लेकिन गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया है वो बस फॉलो कर सकते हैं. तो गुरुजी कृपा करें, सबको ये सद्बुद्धि और शक्ति दे के सब फॉलो कर सके, गुरुजी की बातें फॉलो करे, बी पॉजिटिव, नो एबीसी, एंड शुक्राने में रहे ऑलवेज. एंड गुरुजी की कृपा से अंकल विल शेयर हिज सत्संग. पांडे अंकल इंसिडेंटली यूज टू लिव, तो मैं बता रही थी कि कब से प्लानिंग होता है हमें पता नहीं है. पांडे अंकल इन बॉम्बे लिव्ड इन, सो अंकल इज द लैंड लॉर्ड ऑफ पांडे अंकल. बॉम्बे में जो फ्लैट है वो उसमें वो रहते थे, और उसमें गुरुजी के सारे जो बड़े बड़े स्वरूप है जो यू नो फंक्शंस में जाते हैं वो सब वहीं पे, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े सारे थे सब. तो गुरुजी कब से तैयारी कर रहे हैं ब्लेसिंग्स देने की, और कौन सी प्रॉब्लम कितने शॉर्ट में टाल दी ये हमें पता भी नहीं चलने देते. तो शुक्राना ही शुक्राना रहे. जय गुरु जी.